एक्चुअली सीन ऐसा है कि टिकटॉक बैंड तो मुझे तो नहीं लगता होने वाला, एंड हमारे भाई क्या बोलते हैं अब देखते हैं इसकी बात। सो इट्स लाइक गाइज, हिंदी में इंग्लिश चलेगा, जो भी चलेगा गाइज। पहली बात तो जो लोग वीडियोस बना रहे, तो अभी जो ये इशू क्रिएट हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ अस, मतलब हम लोग ने कुछ गलतियाँ किया वो ऐप के ऊपर, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। सो अगर इफ़ वी यूज़ एनीथिंग वाइजली तो चीज़ें अच्छी चलेगी। एंड अभी जैसे मद्रास कोर्ट में हुआ ये प्रॉब्लम, सो वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से इन लोग ने ये इशू को उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक गया अभी ये। एंड आई डोंट थिंक सो ऐप को बैन करना चाहिए, ऐप बैन होएगा बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रमोटिंग एवरीबडी, जिसके अंदर टैलेंट है उनको पुश कर रहा है। सो वी आर अगेंस्ट इट कि बैन तो वैसे तो होगा नहीं वो। एंड जहाँ तक रही बात हम लोग की, म्यूजर्स लोग की, जैसे हम लोग एवरी वन इज़ वेरीफाइड एंड हम लोग पॉपुलर क्रिएटर्स है, वेरीफाइड अकाउंट्स है, टीम नवाब हम लोग का ग्रुप है। सो हम लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट, वी डोंट डू लिपसिंग एंड ऑल, हम लोग कंटेंट देते हैं ये चैनल पे, मतलब टिकटॉक पे। एंड टिकटॉक ने हम लोग को सब कुछ दिया, अभी फिलहाल नेम है, मनी है, फेम है, सब कुछ दे रहा है, तो वी आर लॉयल टुवर्ड्स दिस ऐप। एंड जहाँ तक रही बात अगर कोई टैलेंटेड बंदा है ना, तो उसको कोई एक ऐप उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। टैलेंटेड बंदा किधर से भी किधर भी निकल जाता है। तो जब आपने ये सुना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दो तीन दिन बहुत इशू हो गया था कि हर एक बंदे बोल रहे थे अरे बैन हो गया, जब आप पहले स्टार्टिंग में एक बार सुना तो क्या रिएक्शन था आपका? सर पहली बात इंडियन मीडिया है ना, बहुत उंगली चीज़ है, होता कुछ और है, मिर्च मसाला लगा के दिखा कुछ और देते। इट वॉज अ स्टे ऑन द ऐप, मतलब बैन नहीं किया था, इट वॉज स्टेटमेंट था, स्टे ऑर्डर था। यस यस, ऐप स्टोर पे तभी भी अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है, सिर्फ गूगल स्टोर से ऐप को हटा दिया था, स्टे बोलते हैं उसको। तो आपको तो पता है कि मीडिया क्या करती है आज के टाइम पे, तो वही। तो आप क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा म्यूजिकली पे बहुत लोग मतलब चल रहे, मतलब बड़े बड़े फॉलोअर्स आ रहे, इतना सडनली ये हो गया तो कितना उन लोग पे प्रेशर पड़ेगा? किसके ऊपर, मतलब ऐप के ऊपर या ऊपर नहीं, टिकटॉक यूजर्स के ऊपर? और जैसा कि मैंने बोला ना, अगर यूजर्स जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना और टैलेंट है जिनके अंदर, उनको भाई कोई नहीं रोक सकता, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी जैसे यूट्यूब है, सेम टिकटॉक भी है, आज के टाइम पे टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो बंदा अगर कंटेंट क्रिएटर है सो वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे भी पोस्ट कर सकता है वो प्लेटफॉर्म पे भी। एंड जहाँ तक रही टैलेंट की बात, तो भाई टैलेंट को तो कोई भी किधर से भी ढूंढ के निकाल सकता है और कैसे भी उन लोग राइज कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने भी 6-7 महीना पहले स्टार्ट किया था, एंड नाउ वी ऑल आर वेरीफाइड, मतलब टीम नाउ जो ग्रुप है वेरीफाइड है हर जगह पे। तो टैलेंट इज़ लाइक यू डोंट नीड एनी प्लेटफॉर्म, एंड वन सिंगल प्लेटफॉर्म कांट जज योर फ्यूचर, मेरा तो ये मानना है। तो फाइनली क्या मतलब वापस ये हो जाएगा, चालू है? हाँ चालू है, कोई टेंशन नहीं, सब तो यूज़ ही कर रहे हैं भाई। 120 मिलियन यूजर्स है, उसके अंदर से कुछ 150-200 लोग वेरीफाइड है इंडिया में। एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ लोगों की गलती के वजह से इतने लोग सफ़र करेंगे। एंड मेरा तो बस इतना ही बोलना है, अगर प्लेटफॉर्म दिया है एक कंपनी ने तो उसको वाइजली यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि वो होता है ना मुर्गी मिली है तो सोने का अंडा दे रही है, तो एक ही बार काट दिया कुछ नहीं मिला, वैसा यही हिसाब है भाई, वाइजली यूज़ करो तो सब कुछ अच्छा होएगा। और सिर्फ टिकटॉक ही, बहुत सारे ऐसे ऐप है, वीगो है, ये सब, इसके इन लोगों की कुछ नहीं, लेकिन बस टिकटॉक पे क्यों ज़्यादा प्रेशर डाल, क्योंकि एक सर वो कैसा होता है मालूम है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग है, हम लोग का स्टार्ट किए थे, हम लोग ने जीरो से स्टार्ट किए थे, ज़मीन से उठे और अभी बिल्डिंग लेवल तक है हम लोग, तो हमारे भी हेटर्स होते हैं वैसे, सेम वे ये ऐप के भी हेटर्स है। क्या भरोसा, शायद जिसने केस किया उसके घर के बच्चे लोग भी वो ऐप यूज़ करते रहेंगे और वो बात से छिड़के उसने कुछ ना कुछ किया रहेगा, मैं दिखाता हूँ बच्चे लोग को कि ऐसा होता है वैसा होता है। सो इट्स लाइक कोई भी कुछ भी कर सकता है सर, आज के टाइम पे कितनी इंडिया में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, फालतूगिरी हो रही है, वो चीज़ें छोड़ के तुम एक सिंगल ऐप के पीछे पड़े हुए हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक इंजीनियर लड़की का, शी गॉट रेप्ड एंड उसको झाड़ से बांध के जला दिया, वो न्यूज़ किधर वायरल हुई नहीं। सो गवर्नमेंट से मैं, गवर्नमेंट वैसे तो हम लोग इंडियंस हैं सब लोग, तो अपना गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है वी आर लाइक, हम लोग वो चीज़ को फॉलो करेंगे, बट जहाँ पे अपने को लगता है एज अ सिटीजन कि अपनी गवर्नमेंट गलती कर रही है ना, तो अपन बोल भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की गलती है, यू कांट डू एनीथिंग, मतलब ऐसा कि यू आर बैनिंग समथिंग विदाउट एनी रीज़न और इश्यूज। या तो आप बोलो, आप भी क्या करना चाहेंगे एज अ पार्ट? बेसिकली मैं तो अभी एज अ टीम नवाब के साथ हूँ, एंड इन लोगों का टैलेंट मैंने देखा, बट इन लोगों को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज इन लोग अब टैलेंट बहुत हाई लेवल में है। एंड मैं एक तो एक मास मीडिया स्टूडेंट हूँ, BMM किया, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, तो मुझे एक ऐसा एडवर्टाइजिंग में, फिल्म मेकिंग में शौक है। अब मैंने देखा जिसके पास भी
क्रिएटिव माइंड है ना, लोग एक मिनट का शॉर्ट फिल्म बना रहे, तो वो ऐप बहुत अच्छा है, वो प्रमोट कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह अभी देखते हैं आगे का क्या होता है, तो आई गेस आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 22 ख़त्म हो गया, अभी 24 का वेट कर रहे हैं, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो भाई ने जो बोल दिया लाइक ओवरऑल अग्री करते हैं। हाँ टीम नवाब की तरफ से हम लोगों को तो बस इतना ही बोलेंगे यार कि जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको सपोर्ट करो, और ऐसे ही मतलब वेन एवर यू सी एनी टैलेंटेड पर्सन प्रमोट देम, अगर आपसे हो सकता है तो हेल्प करो। एंड टीम नवाब ये प्लेटफॉर्म पे आई थी तो वी वांटेड टू स्प्रेड अ मैसेज दैट इज़ ऑफ पीस लव एंड ह्यूमैनिटी, मतलब योर कलर माई कलर डजेंट मैटर, योर रिलीजन माई रिलीजन डजेंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज यू आर अ ह्यूमन आई एम अ ह्यूमन, प्रमोट ह्यूमैनिटी एंड कोई भी रिलीजन हो भाई, सब चीज़ यही सिखाता है कि इंसानियत पे बिलीव करो। एंड आज के टाइम पे इंडिया में ये चल रहा है, तू हिंदू मैं मुस्लिम वो क्रिश्चियन वो ईसाई, ये बंद कर दो, मिलजुल के रहेंगे तो बहुत अच्छा होएगा भाई, बस और क्या। हम लोग ये प्लेटफॉर्म को यही सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम जैसा काम किया वैसा नाम भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बेसिकली वी आर हियर फॉर अ शूट, मतलब हम लोग का नया यूट्यूब चैनल आया, हम लोग तो टिकटॉकर्स थे, म्यूजिक तो हम लोग ने नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है टीम नवाब, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड उसके अंदर SRK के सारे प्रैंक वीडियोज एंड ऑल व्लॉग्स एंड ऑल सब कुछ टीम नवाब का वही चैनल में आएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन हुआ हम लोग को चैनल स्टार्ट करके, 4 वीडियोज पोस्ट किया, इट हैज क्रॉस 20K सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच।